वेलकम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, या फिर कुछ एनसीईआरटी के बुक्स इसको सॉलिड के नाम से बोलते हैं, या फिर कोई बुक्स में ये इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये जब चैप्टर स्टार्ट होता है, क्योंकि इस ये चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स आपको नीट के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाते हैं, आईआईटी में, या फिर आप कोई भी अपने स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम ले लीजिए जो एनसीईआरटी की बुक पे है, या इलास्टिसिटी अगर आपके जो सिलेबस में चैप्टर इंक्लूड किया गया है तो उसमें आपको फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो बच्चों, आप पहला जो डेफिनेशन है वो देखिए, इस चैप्टर की सबसे पहली जो डेफिनेशन होती है वो स्ट्रेस की होती है। तो स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, तो स्ट्रेस हमने बना लिया फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स न्यूटन में आती है, एरिया मीटर स्क्वायर में आता है, तो ऐसा यूनिट जो स्ट्रेस का बनता है वो बन जाता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से, और स्ट्रेस का जो फॉर्मूला, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस का जो डेफिनेशन है, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर में फिर एक न्यू टॉपिक आता है जिसका नाम है स्ट्रेन। देखो बच्चों, स्ट्रेन फॉर्मूला चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो बच्चों, क्या पढ़ा आपने? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो अब आप ये डायमेंशन में लेंथ भी ले सकते हैं, या ब्रेथ भी ले सकते हैं, या फिर वॉल्यूम भी ले सकते हैं। तो आपने लिया स्ट्रेन का सिंबल स्मॉल ई इज इक्वल्स टू, चेंज का मतलब है डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल। चलिए स्ट्रेन के ऐसा यूनिट देखते हैं, डेल्टा एल के मतलब लेंथ है वो, तो मीटर में आएगी, और नॉर्मल लेंथ मीटर, मीटर अपॉन मीटर, मीटर बाय मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, मतलब स्ट्रेन की यूनिट्स नहीं आते हैं बच्चों। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, हुक्स लॉ। तो ये हुक्स लॉ का फॉर्मूला है, विद इन इलास्टिक लिमिट, यानी कि डेफिनेशन देखिए पहले, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो मतलब स्ट्रेस का सिंबल प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, प्रोपोर्शनैलिटी मतलब जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होती है। तो मतलब बच्चों, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो फिर आपको एक कांस्टेंट देना पड़ता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई इंटू स्ट्रेन। तो फिर स्ट्रेस आपका जो ये वाई है, ये वाई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, और इस कांस्टेंट को बोलेंगे यंग्स मॉड्यूलस, या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एनी हाउ बच्चों, चलिए अब ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के एसआई यूनिट देखते हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई स्ट्रेन, स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, यानी कि न्यूटन बाय स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू वाई। स्ट्रेन के तो यूनिट नहीं है, उसकी जगह वन लगाओ, तो वाई के जो यूनिट आते हैं वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों, स्ट्रेस समझ गए आप, स्ट्रेन समझ गए, और फिर हुक्स लॉ भी आप समझ गए हैं। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम बनाएंगे, कि यानी कि आपको एक्सप्रेशन आएगा चेंज इन लेंथ के ऊपर। तो एनी हाउ बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन लेंथ देखिए, एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन लेंथ, और फिर वापस हुक्स लॉ से आते हैं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू वाई इंटू स्ट्रेन बन गया। और फिर बच्चों, ये जो स्ट्रेस को हमने फोर्स बाई एरिया लिखा इज इक्वल्स टू वाई, स्ट्रेन को डेल्टा एल बाई एल, और फिर यंग्स मॉड्यूलस अपनी प्लेस में रखो, या फिर डेल्टा एल अपनी प्लेस में रखो, नीचे का एल ऊपर चला गया एफ एल, और ये वाई नीचे चला गया। तो फिर आप सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला वाई को भी बनाइए, या डेल्टा एल को भी बनाइए। एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन लेंथ कर रहे तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल बाई ए वाई, और अगर यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन बनाते हैं तो फिर वाई इज इक्वल्स टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल। तो बच्चों, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला में टोटल पाँच वैल्यूज है, कौन से? चलिए वाई सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला रखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। तो बच्चों, ये एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एल, और y मतलब y यंग्स मॉड्यूलस, उसके एसआई यूनिट है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और फिर फोर्स के एसआई यूनिट है न्यूटन, l है लेंथ जो कि मीटर में है, a है एरिया जो कि स्क्वायर मीटर में है, और डेल्टा l जो है इन मीटर में, वो एक्सटेंशन भी बोलते हैं या फिर इलांगेशन भी बोलते हैं। तो ये फाइव वैल्यूज में से क्वेश्चन में आपको बस फोर वैल्यू देगा वो, और आपको फिफ्थ वैल्यू पूछेगा। यानी कि कोई भी एनसीईआरटी का नेशनल लेवल का क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, तो अब तक जितने बार
इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, ये 5 वैल्यूज में से कोई 4 वैल्यूज देगा और 5th वैल्यू आपको पूछेगा। तो खैरम अब वो न्यूमेरिकल्स के पार्ट में देखेंगे। तो बच्चों इसे अच्छे से स्टडी करो, कुछ डाउट अगर आता है तो फिर मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। एक और बात बच्चों, आप क्या कीजिए, इस कमेंट बॉक्स में F को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाइए, फिर A को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाइए, ताकि मैं देख सकूं कि आप कितना समझे। ठीक है बच्चों, टिल देन तो मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा और आंसर दूंगा आपको।